दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग राज्यवार एक ही मैसेज आ रहा है, सर जीडीएस की सेकंड वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ गिरेगा। वो अपनी बार बार परसेंटेज बता रहे हैं, टेंथ क्लास की हमारी इतनी परसेंट है, हमने इस सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया, इस डिवीजन से किया, इतनी पोस्ट प्रिपेयर डाली, क्या हमारा नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सटीक जानकारी दे रहा हूं, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जब आएगी कितना कट ऑफ रहता है पुरानी भर्तियों को देखते हुए, क्या कुछ है महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल एक ही है, और कौन सा सवाल है, क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में 60 और 70% वालों का नंबर आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं अलग अलग राज्य के जिनकी 10th क्लास में 60-70% बनाया हुआ है, वो भी कोरोना से पहले जो पास आउट हुए 4-5 साल पहले, 70% बनाना भी बड़ी टेढ़ी खीर थी 10th क्लास में। इनका भी सपना है जीडीएस की नौकरी लेने का, लेकिन हाल वर्तमान टाइम 2023 में इस प्रकार है कि 100% अभ्यर्थियों की बना दी थी कोरोना काल के पीरियड में, प्रमोट उनको 11th क्लास में कर दिया 100% बनाकर, और जीडीएस में परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होता है, 100% है उनकी तो 100 से अधिक क्या होगा, तो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट उनका ही नाम आ जाता है। तो आप थोड़ा यहां ध्यान देना, 60-70% वालों का नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कुछ बात आपको समझनी पड़ेगी, बार बार मैंने हर वीडियो में एक बात आपको बताई है कि जीडीएस की जो कट ऑफ बनती है ना, ये थोड़ा अलग बनती है, बाकी भर्तियों में तो एग्जाम्स होती है उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलती है, इसमें कोई एग्जाम्स होती नहीं है। पहले आप फॉर्म अप्लाई करते हो, परसेंटेज अपनी मेंटेन करवाते हो, उसके बाद जो कट ऑफ आपकी बनती है ये पूरे देश के अनुसार नहीं बनती, ये पूरे राज्य के अनुसार नहीं बनती। सबसे पहले इसमें सर्किल चॉइस किया जाता है, उस सर्किल में आपने जो भी डिवीजन चॉइस की है उसके अनुसार कट ऑफ निकलता है, उस डिवीजन में जितने भी आपने बीओ भरे हैं उसके अनुसार और कितनी पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया है कैटेगरी वाई, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग लिस्ट ये आती है। समझदारी से काम लीजिए दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैं राजस्थान राज्य की बात करूं, राजस्थान में कहीं कहीं डिवीजन में हाई कट ऑफ जाएगा, एक ही राज्य है, और कहीं कहीं डिवीजन में बहुत लो कट ऑफ जाएगा। जिस प्रकार आपने अपने अपने राज्य की पहली लिस्ट डाउनलोड की है, आप गौर करना एक बात पर कि आपके ही राज्य में आपकी ही कैटेगरी में किसी किसी की 95% पर भी नहीं हुआ, किसी किसी का 85 पर भी हो गया। इसलिए मेरे दोस्त आपकी कट ऑफ राज्यवार न बनके डिविजन वीओ वाई बनती है, उसी के अनुसार मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। पिछला डाटा क्या कहता है, साइकिल 3 और साइकिल 4 की जब वैकेंसी आई, इस बार साइकिल 5 है, तो दोस्तों पुराना जो कट ऑफ गया पहली लिस्ट जब आई 95 या फिर 100% वालों का ही सिलेक्शन हुआ था, ये श्योर है, क्योंकि 100% बनाकर बैठे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, ठीक है। अब दोस्तों पहली वेटिंग लिस्ट आपकी साइकिल 5 की आ चुकी है, आपने भी यही हाल देखा होगा 100% 95%, इतना ही नहीं 97 वालों का भी नंबर नहीं आया है, कहां आप 60-70% की बात करते हो, ठीक है। अब दोस्तों पहली लिस्ट में तो नंबर नहीं आया, लेकिन आपका इंतजार है सेकंड वेटिंग लिस्ट का, क्या उसमें नंबर आ जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आपके इतने परसेंटेज है बिल्कुल ही भूल जाइए सेकंड वेटिंग लिस्ट को, नहीं आने वाला नंबर। इधर आप नॉर्थ ईस्ट इधर के राज्यों में जाओगे तो वहां कट ऑफ गिर जाता है, ठीक है, आपके जनरली जो स्टेट है ना वहां इतना कट ऑफ नहीं गिरेगा। सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी फर्जी अभ्यर्थियों का नाम आएगा, बिल्कुल श्योर है, 95+ रहेगी कट ऑफ, पिछला आप आंकड़ा देख लेना। अब आप कहोगे सर सेकंड वेटिंग लिस्ट जब आएगी उसमें भी फर्जियों का क्यों आएगा, दोस्तों अभी फेक परसेंटेज डालने वालों की छटनी नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो जिसने 100% फर्जी डाला है, कुछ अभ्यर्थी तो पहली लिस्ट में ही छट गए, कुछ अभ्यर्थी सेकंड में छटने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लिस्ट जब आएगी 90+ कट ऑफ इसमें रहेगी। आप कहोगे सर आपने तो डिप्रेशन में डाल दिया है, टेंशन पैदा कर दिया है, टेंशन नहीं किया है, मैं हमेशा ऑफिशियल ही डाटा पर विश्वास करता हूं, फालतू की झूठी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आपने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि इतनी परसेंटेज गिरेगी, नहीं दोस्तों जीडीएस है ये, ठीक है, बहुत साल का अनुभव है, मैं 2-3 साल से इस भर्ती को देखता आ रहा हूं, पुराने कैंडिडेट जो जीडीएस के पद पर कार्यरत है उनसे भी आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो अदर लिस्टें आएंगी ना, आपकी 3rd, 4, 5, 7 वेटिंग लिस्ट आई थी पिछली बार, इस बार भी इससे अधिक ही आएंगी, धीरे धीरे सेकंड के बाद जितनी भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी आप टेंशन मत कीजिए,
बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां की डिविजन में 60% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 70 का भी होगा, 80, 90 और 95 वालों का भी होगा। अब आप बाद में ये मत कहना सर आपने ही बोला था, इससे पहले मैंने थोड़ा आपको समझा दिया है कट ऑफ किस प्रकार बनेगी, समझा करो पहले, उसके बाद सवाल पूछा करो। ठीक है, ये कट ऑफ इतना रहेगा, 60% वालों का नंबर आएगा, लेकिन कौन से राज्य का आएगा, उस कौन से डिविजन में कट ऑफ गिरेगी, ये उसी टाइम मालूम चल पाता है दोस्तों जब आपकी ये वेटिंग लिस्ट आना शुरू होगा। तो अभी से आप इतनी चिंता ना करें, बार बार सर्च ना करें कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है किस डेट को आपकी लिस्टें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, लिस्ट में नाम तो किस्मत वालों का ही आता है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्स होता नहीं है, जिसकी किस्मत है उसकी नौकरी लगती है इसमें। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं डिविजन में 70% वालों का हो जाएगा उसी राज्य में, और कहीं कहीं डिविजन में 95 पर नहीं होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा धैर्य पूर्वक बनाए रखें, अपने माइंड को कंट्रोल रखिएगा, इतना नेगेटिव ना सोचिएगा। नेगेटिव अगर सोचोगे तो भविष्य में क्या करोगे, आप अभी युवावस्था हो, अभी से ही इतना टेंशन अच्छा नहीं रहता है। क्या आप इस धरती पर जीडीएस के भरोसे ही पैदा हुए थे क्या? बाकी बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती है, अपडेट आप लेते रहा करिए। 10th पास ऐसी ऐसी नौकरियां निकलती है जिसमें केवल एक एग्जाम्स के बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो बिना मेहनत थोड़ा मेहनत भी करना सीखिए दोस्तों, बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए। किस्मत हुई तो यहां आपका नंबर आ ही जाएगा, और मेरे से संपर्क कर लेना, लेकिन बार बार मैसेज ना करें एक ही चीज को लेकर, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है, सेकंड बैटिंग लिस्ट क्या कट ऑफ करेगा। तो अब आप ध्यान लेकर चलना, बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, पल पल की ऑफिशियली सर्टिफिकेट यहां पर जानकारियां मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।